हेलो हेलो मिस्टर गफ्फार दोरा जी, मेरे को ये बताओ इतना ढीला सूट काहे को पहना आपने? ए मिजी बाईडी, तू तो साव आईडी है। ये मैंने सिलाया नहीं है, ये मेरे बाप का अलमारी में पड़ा था ना, तो निकाल के पहना है। माँ को नहीं बताना। क्या ला ये मारी ये माँ ये माँ ये माँ क्या हो गया आपको? ए माँ, बरसात हुई नहीं, आप छतरी पहन के कहाँ घूमती हो? ये गधेड़े हो तुम लोग, यानी छतरी लगा के आदमी बरसात में ही निकलता है? तुम लोग को इतना नहीं पता इंटरनेशनल दुनिया में क्या हो रहा है? अभी देखो जर्मनी में फुटबॉल के मुकाबले हो रहे हैं, मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रही हूँ। अभी इंग्लैंड ने पुर्तगाल का मैच है, देखना अभी इंग्लैंड इस पुर्तगाल का क्या असर करेगा। अम्मा मैं तो घर का ही मैच हार गई हूँ। ओहो, मैं हार गई हूँ, देखा तूने कैसी बातें करने लगी है। मेरी माँ के सामने ऐसी बातें ना कर, फुटबॉल का मैच माँ है ना बड़े शौक से देखती है। हाँ, मेरे को टोनी ब्लेयर ने क्या, आप इंग्लैंड की तरफ से? अभी मैं इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी जा रही हूँ। तेरे को क्या हुआ? ये बच्चों की टीम से खेल रहे है? मैं पुर्तगाल की टीम का 12वां खिलाड़ी बन के जा रहा हूँ। तो बेवकूफ की औलाद, जब तेरे को 12वां खिलाड़ी बनना है तो ये खिलाड़ी तो पानी पिलाता है, तो को पानी पिलाना इसमें पांचे ऊपर क्यों किए? अकलमंदी है ना इसमें भी, 11 खिलाड़ियों को पानी पिलाऊंगा तो गीला नहीं हो जाऊंगा। माँ जितने मैच हो रहे हैं ना फुटबॉल के, इसमें भी रफड़े चले, बेईमानियां हो रही हैं। आपने देखा नहीं ब्राजील का मैच हो रहा था गन्ना से? गाना हाँ, गाना से हो रहा था। कितनी बेहतरीन टीम है, जीतने वाली थी, ब्राजील को खामखा जीता दिया 3 गोल से। बेईमानी हुई है, बेईमानी। घंटी बज गई फैसल। मेहमान कौन आता? सलीम शेख ने नाई सब्बी उतार दे इसको। सलीम शेख? हाँ, जावेद शेख का भाई आ रहा है। और क्या, और कौन है? सलीम शेख एक ही तो है। अभी मैं लेके आता हूँ। पोजीशन। ये मेरे मोजे पहन के कहाँ घूम रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद अब्बास अब्दुल्ला जी में। इसलिए एड्रेस आराम से मिल गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। ये मेरी फैमिली सलीम शेख, ये मेरी दादी। अच्छा अच्छा, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। तू सलाम करता नहीं तो करना पड़ता मेरी बदमाशी दादागिरी। तो क्या इसके घर में भी जावेद शेख दादागिरी नहीं करता है क्या? नहीं, ये मेरी मम्मी। भाई फर चला, ये क्या है, कहाँ आया ये? सलाम अलैकुम। अब मेरे पापा। पापा? अच्छा, कोई दूसरे मुल्कों से भी लोग आए हुए? पापा इधर ही का, रानी वाले का। मैं पापा के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत ख्याल रखना। अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। माशाल्लाह। जैसे मेरे को आज बड़ी हैरत हुई एक बात की, मैं समझती थी आप पाउडर लगाते हैं, लेकिन आप तो बहुत खूबसूरत है बेटा, हाथ पाँव कितने प्यारे है। खाते क्या हो आप? हलाल। कौन सा हलाल? हलाल फूड लिखा होता है या हलाल करके खाते हो? नहीं, हमेशा हम पढ़ के खाते हैं। के गोरे। ओके, मैं अभी बुलाता हूँ ना, आप ख्याल रखना। हाँ, तो ख्याल, इसको कोई कौवे ले जाएंगे क्या? जावेद शेख का भाई है ना। तो जावेद शेख का भाई कौन ले जाएगा इसको? नहीं, जावेद शेख को कोई ले गया? नहीं नहीं, कोई नहीं ले गया। नहीं नहीं, खाली वही ले जाते हैं। मैं आपको बुलाता हूँ। वेलकम एडब्ल्यू हाजी। नहीं नहीं, खुश आमदेद खवातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। और एक दफ़ा फिर खुश आमदेद गफ्फार ज़ैद दोरा जी में। और आज हमारे जो पहले मेहमान हैं गफ्फार ज़ैद दोरा जी में, टेलीविज़न के ये बड़े मजबूत एक्टर हैं और टेलीविज़न से ही शुरू किया था इन्होंने, और इन जैसे हीरो हमारे मुल्क में बहुत कम हैं। जो हीरो के होने की एक डिमांड है, लंबा हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, और डैशिंग हो, चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, सब कुछ है ये। और फिल्म में गए तो वहाँ भी अपने फ़न के बेहतर बेपना कमालात दिखाए। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ सलीम शेख। आराम से बता रहा हूँ। अल्लाह ना करे, मेरी वेगन का है। अल्लाह ना करे, ये देखा है गाड़ी खाते की वेगन आई। आराम से प्लीज, एंजॉय लाइफ, एंजॉय लाइफ, एंजॉय। बहुत खुशामदेद आपको गफ्फार ज़ैद दोरा जी में आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो वेरी मच। आप बहुत मसरूफ है? मसरूफ माशाल्लाह, बस काम चल रहा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस शो में बुलाया। नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा फैन भी हूँ ना आपका, भी मैं आपसे बात भी करूँगा। तो आज तो ऐसे काले कपड़े पहन के आए हो जैसे एहतिजाजी प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने आए हो। क्या काले कपड़े क्यों पहने? बस वो जो काला रंग अच्छा लगता है। मेरा भाई जावेद शेख है ना, ये इसका पसंदीदा बंदा है।
ऐसी मोहब्बत करता, खते लिखता है गफ्फार को। हाँ। बोलता है स्टॉक एक्सचेंज में क्या उतार। हाँ। पापा आप तो साथ में जुआ भी खेलते थे। हाँ, जावेद शेख भाई को पता है, मैं आपकी फिल्म थी ना ये दिल आपका हुआ, जी जी सुना, इस फिल्म पे इस्माइल तारा ने पैसा लगाया था। अरे नहीं नहीं, उस पर तो हमारे खुद पैसे निकलते हैं। कितने? 200-250 होंगे। ये मेरे को क्वेश्चन करने दो पहले। जी जी सलीम भाई, आपने जो अपने ढोरे पे ये जो घड़ा बनवाया है, मेरे को जरा बताओ, मैंने को भी बनवाने का है। जी मैं आपको बताता हूँ, आप बोरी बाजार चले जाएं। हाँ। वहाँ एक दुकान है। अच्छा। वहाँ आप जाके पूछें तो वो आपको एड्रेस बताएगा लाहौर का। एक बात सुन, ये ऐसी है, वायड़ा कर रहा है तेरे को, ये इसने बनाया बनाया नहीं है, कराची में शूटिंग पे आया होगा, इसका मुंह किसी ने खोद दिया कि इधर सड़क बनाएंगे, सुरंग से गुजरेगा कोई, फिर बारिश में खड्डा रह गया, किसी ने भरा ही नहीं। हाँ हाँ, ये देखना इसके गड्ढा है, ये सुरंग वाला रास्ता है। खुशकिस्मती की अलामत है ये। कौन सी खुशकिस्मती? खुशकिस्मती आपको क्या पता है? मुझे पता है। हाँ तो ये तो खड्डा है, मेरे को तो ये नजर आ रहा है, इसमें बारिश का पानी। डरना के खड्डे में गिर नहीं जाना। ओके मैं जरा पूछ लू अभी। जी बड़े भाई, आपके इतने बड़े स्टार हैं जावेद शेख साहब, तो पहली दफा चांस उनकी सिफारिश पे मिला होगा? जी बिल्कुल, उनकी सिफारिश से ही मैं आया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद देखिए ना, फिर दूसरों की सिफारिश? नहीं, दूसरों की तो सिफारिश हो नहीं सकती थी। अच्छा। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी प्लेटफॉर्म पर जाता है तो किसी सिफारिश से जाता है, उसके बाद उसका टैलेंट चलता है। ये तो बात है, तो उनकी सिफारिश से आया। तो आजकल प्लेटफॉर्म पर शेख रशीद साहब का टैलेंट चल रहा है। ओके। आपने दाखला भी स्कूल में उनकी सिफारिश से लिया था? नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा, खुद पढ़ा है। एक्सक्यूज मी सलीम शेख साहब, आपके नाम से लड़कियां तो काफी मुतासर होती होंगी। क्यों? वो समझती होंगी कि दुबई का कोई शेख में है। ये शेख है, ये तो कंगला शेख है, ड्रामो में काम करता है। हमको वीजा भेजना। अच्छा, आपको पता नहीं, आराम आराम से बोला करना सर, चमक मारो। आपको पता नहीं, ड्रामे वाले आजकल बहुत अमीर है। अच्छा, तो भाई तेरी फिर किधर गुड्डी फिट है? अच्छा। कोई 10% है। अच्छा, कहते हैं कि बड़ा फलदार दरख्त मतलब है तो छोटा दरख्त सूख जाता है। जी जी। तो आप छोटे दरख्त हैं, बड़ा तो फलदार था। बिल्कुल है। तो आप में फल आ रहा है या अभी क्या कच्चा है? अल्लाह का शुक्र है, आ भी रहा है, कच्चा भी है, पक भी जाएगा इंशाल्लाह। ये सारे रिश्तेदार जितने हैं ना, ये सारे मेहनत करते हैं, बेरोज सब्जवारी नहीं, ये है तो जावेद है, ये सारे, ये चाहे ना, इनको चाहिए अपना चैनल खोल ले, ये क्यों दूसरों के ड्रामों में खुद ही खुद इतने काम करते हैं इनके अपने, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मसाला बिजी रहते हैं। मैं अखबार में पढ़ती हूँ ना। टीवी से आपको अचानक किसने निकाल, मेरा मतलब है फिल्म से, फिल्म कैसे आना हुआ, अचानक टीवी से आप फिल्म में आ गए कैसे? भाई मैं एक सीरियल करने गया था इस्लामाबाद, शोएब मंसूर साहब का। अच्छा। तो फिर वहाँ से मैं ऐसे ही छुट्टियाँ गुजारने लाहौर चला गया। लाहौर में क्यों छुट्टियां गुजारने? और शहर नहीं था कोई? मुल्तान जाता गर्मी में छुट्टी गुजारने, लाहौर क्यों गया? लाहौर क्यों? मुल्तान कौन जाता है छुट्टियां गुजारने? तो क्या है तू, लाहौर की तो अजीब शक वाली बात आती है। इसलिए लाहौर चला गया, वहाँ बड़े शेख साहब थे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा चलो छुट्टियां गुजारने 10-15 दिन के लिए, तो वहाँ उनके सेट पे जब मैं गया तो वहाँ सैयद नूर साहब थे। अच्छा। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में ऑफर दी। पहली फिल्म थी उनकी एज ए डायरेक्टर, उनकी पहली फिल्म थी, एज एन एक्टर मेरी पहली फिल्म थी वो। तो वो फिल्म माशाल्लाह, उस फिल्म का नाम था कसम। अच्छा, तो ये सैयद साहब जो है शेख साहब के डेरे पे आए थे या शेख साहब आपको उसके डेरे पे ले गए थे? अच्छा, मैं तो इधर ही काम दिला था ना, मैं छोड़ देता हूँ अभी, स्टूडियो देख दूंगा, सब भेज दूंगा, सब छोड़ दूंगा मैं तेरे कपड़े। ये हमारा प्रोग्राम खराब है। तू कभी कभी हमारे को क्या तड़ी देता, कभी अभी उसके कान में बोलता है तो शेखों की फैमिली इधर को ले जाएंगे उठा के। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, मेरे को ले जाओ, मेरे को काम कराओ ना, मेरे को एक्टिंग कराओ, मेरा टैलेंट बाहर निकालो। ये देखना तू किसी फिल्म में ना ऐसा कागज पकड़े, इनके पीछे इनके खाने वाने का हिसाब लिखेगा। अम्मा शेख तो अपना बुखार भी किसी को नहीं देता। तो तू पंजाब के शेखों को इतना जानती है, वो अरब का शेख है भाई। अच्छा, एक बात बताएं, आपको एक फायदा तो होता होगा ये शेख की वजह से, लड़कियां बड़ा मंडलाती होंगी आसपास हैं, वो समझती होंगी वो वाला शेख है। नहीं, खैर उस वजह से नहीं, किसी और वजह से मंडलाती हैं। किस वजह से? क्या चीज़? वैसे मेरे को पता ना, मेरे पास नहीं मंडलाती, काय को? नहीं आप छोड़ो, मेरे को बताना। नहीं आप छोड़ें यार,
छोड़े आप गंडे गोले की गाड़ी पे बर्फ पीसे आप छोड़े क्या बातें कर रहे हैं। मतलब मैं एक भी नहीं करूं? नहीं नहीं आप करो, लेकिन ये कुछ काम होते हैं ना जो जो खाली आप लोग पे अच्छे लगते हैं। आपने हद मुकर्रर कर रखी है कि एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद? कोई हद नहीं है, जब मैं समझूंगा कि अच्छा अब मुझे करना है काम तो मैं शुरू कर दूंगा। आप समझते हैं कि आप डायरेक्शन जब करेंगे तो प्रॉपर डायरेक्शन होगी वो? जी इंशाल्लाह, इसीलिए मैं भी फौरन शुरू नहीं कर रहा, अभी थोड़ा समझ रहे हैं आप काम को। एक काम में अगर आपने एक स्टेप लेना है तो उसमें कम से कम थोड़ा बहुत समझ के सोच के फिर आए। ऐसे तो डायरेक्ट आप फिल्म की डायरेक्शन पे जाएंगे या पहले टीवी पे ट्राई करेंगे? नहीं, डिपेंड करता है, टीवी भी टीवी पे हाथ साफ करें। तो अभी क्या बेटा आप चोपड़ी लेके बैठे हैं, अपने भाई की नाकामियां नोट कर रहे हैं, जो मुश्किलात है वो नोट कर रहे हैं, फिर उसकी रोशनी में आप डायरेक्शन करोगे? जो जो शेख के साथ हुआ, बड़े वाले के साथ, उसके साथ तो बेचारे के साथ ना, तो वो उनका देखूंगा मैं। चोपड़ी में नोट करो, फिर आपकी तरबियत हो जाए। एक्चुअली अपनी नोटबुक, नोटबुक नहीं पप्पा, चार करीमे मिक्स करके लगाती हूँ, जब भी मेरा रंग गोरा नहीं होता, आपका रंग ऐसा लाल कैसे हो गया? मेरे पास आ जाया कर सुबह सुबह, 10 चमाट इधर मारो, 10 चमाट उधर, ऐसे लाल हो जाएगी टमाटर के जैसे। ये बैरो सब्जवारी साहब हुए, जावेद शेख साहब हुए, ये हुए, ये फैमिलीज कुछ ऐसी हैं, कुछ लाल फैमिलीज हैं, ये फैमिली ऑटोमेटिक लाल है, ये खुद ही लाल है पहले। ये अपना लाल चैनल खोल लेवे ना। आपसे मेरा सवाल है, आप भी माशाल्लाह इतनी गोरी हैं, लाल हैं, ये आप, ये जो पापा बैठे हैं जी जी जी, इनकी चुगी में आग लग गई थी क्या? गवर्नर साहब मैं मिलता हूँ इसी मुंह के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, सलीम से हमारे साथ में कहीं मत जाइएगा। जावेद शेख साहब के मुकाबले में आपके स्कैंडल्स बहुत कम है, क्या वजह है इसका? तो कोई स्कैंडल ही नहीं है बेचारे का, इतना मासूम बच्चा है। हाँ। कभी मैंने अखबार में नहीं, रिसाले में कोई छोकरी के मुतालिक पता ही नहीं, एक छोकरी से प्यार किया, उसको शादी करके घर में बेगम बना दिया, उनसे ज्यादा मोहताज है, उधर ही कहानी खत्म। सोच समझ के चलता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, मेरी तरह। अच्छा, भाभी से टाइम वगैरह में आने जाए, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं और ज्यादातर आप कराची स्टेशन आप काम करते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह भाभी को साथ रखते हैं? नहीं, हर वक्त तो नहीं रख सकते ना। अच्छा, जब कभी कोई जैसे आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो मैं कोशिश करता हूँ साथ लेके जाता हूँ। अच्छा, और जो जगह उन्होंने देखी होती है उस वहाँ किसको ले जाते? मतलब पूरी टीम जाती होगी ना फिर आपकी? मेरा पता नहीं है आपको? हाँ, मैं मर जाऊंगा, मैंने बोला ना आपके हाथ से मैं मर, मेरा दिमाग दिमाग नहीं खराब करना। ये शूटिंग के अलावा बाहर कहीं गए? पापा अभी बोला ना, दुनिया में घूमते हैं, आउट ऑफ दी स्टेशन जाके काम करते हैं। पूरी कनाडा गए? कनाडा हाँ, नहीं गया। हाँ, नहीं गया। नहीं, आप तो गए ना। क्यों, नियाग्रा फॉल्स से को दो बाल्टी पानी। ऐसी ख्वाहिश है आपकी जिसके पूरा होने पर आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा, यार ये क्यों पूरी हो गई? पूरी क्यों हो गई? हाँ, नहीं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वो सबसे अच्छी ख्वाहिश होती है। नहीं, ऐसा होता है ना कि आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ। हाँ, वो और सवाल है। हाँ। सोचता कुछ है। हाँ। होता कुछ है। तो कभी ऐसा हुआ? मैं बिल्कुल, मैं एक्चुअली बनना चाहता था क्रिकेटर। अच्छा, क्रिकेटर? प्लीज आप बता रहे थे। ARY की प्रोडक्शन है? नहीं नहीं, मेरी अपनी प्रोडक्शन है बेटा, हमने तो बेचा है। ओके, दर्जी ने पहन के सिया है जी। आप क्रिकेटर बनना चाहते? बिल्कुल बनना चाहता था, और काफी क्रिकेट खेली भी, बहुत शौक था, लेकिन फिर इस तरफ आ गया तो आप सोचता हूँ कि बैटिंग करते थे आप? जी बिल्कुल, बैटिंग करते। बैटिंग करते थे फोन पे? नहीं, मतलब बैटिंग होती है ना, मतलब ऑलराउंडर थे आप या सिर्फ बैटिंग करते थे? जी सिर्फ बैटिंग करते थे या ऑलराउंडर थे? नहीं, मैं बैटिंग करता था। अच्छा, सिर्फ बैटिंग करते थे? सिर्फ बैटिंग। अच्छा, बैटिंग उसको कहते हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। बात यह है सलीम कि हम एक ज़माना था, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जी जी, इंडियन चैनल्स ने एकदम कैप्चर कर लिया हमारे आर्टिस्टों का काम, हमारे चैनल्स की व्यूअरशिप। था क्या, कर लिया है?
नहीं हा? अभी तो काफी कंट्रोल हो गया है, अभी काफी कंट्रोल हो गया है क्योंकि काफी प्रोडक्शंस पाकिस्तान में उनकी नकल की बनने शुरू हो गई है? नहीं, उससे अच्छी बनी है, उससे अच्छी बनी है। बस सीरियल्स ऐसे जो आ रहे हैं, सिटकॉम्स अच्छे हैं, शोज अच्छे हैं जो कि बहुत देखे जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हुई? और बहुत सारी प्रॉब्लम हुई क्या? अगर ऐसा ही रहा तो 4-5 साल में हम सबको प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी हमारे तो ड्रामे। अगर यही हाल रहा, आप जैसा, आप एक, आप कहते हैं कि आपने इतना काम किया है और कर रहे हैं आप, इतना ज्यादा क्या हाल है इसका, क्या समझते हैं आप? देखें, अगर मैं, मुझसे पूछें तो आप ये देखें, डिफरेंट चैनल्स हैं यहाँ पर और वहाँ पर हम इंडियन ड्रामे भी दिखाते हैं, तो कोई ऐसे लोग हमें, मुझे तो नहीं आज तक मिले जिन्होंने कहा हो कि यार हमारे चैनल पे वो इंडियन ड्रामा आ रहा है, बड़े मज़े का है, देख रहे हैं। हाँ, हमारे ड्रामे की ज़रूर तारीफ़ होती है, अपने जो अपने ड्रामे चलते हैं हम सब तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं कि यार वो हमारा ड्रामा चल रहा है, लेकिन इंडियन ड्रामे की तारीफ़ मैंने सुनी नहीं किसी से कि फ़लाँ ड्रामा चल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन ड्रामे, मैं इसका हल पूछ रहा हूँ, तारीफ तो देखे ना, यही तारीफ है कि तारीफ नहीं कर रहा। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक औरतें जो थी वो काम छोड़ देती थी, ठीक है ना? ठीक है, अब ये हुआ है कि घरों में वो थोड़ा सा बैलेंस हो गया, आप लोगों को समझ आ गई है कि अच्छा, एक चैनल बंद होने से इंडिया का कम अज कम अब हमारे ड्रामे देखे जा रहे हैं और पसंद किए जा रहे हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं तो पसंद कैसे करेंगे? वही मैंने अभी आपसे कहा ना, कितनी अच्छी बात है, फर्क हुआ है, वो बिल्कुल, ये तो बहुत खुशी की बात है, महीनों से फर्क हुआ है और लोगों ने देखना शुरू किया, लोग देख रहे हैं, इसलिए तो हमारा प्रोग्राम भी देखा जाता है। आपने देखा ना, देखा हमारा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आता है, देखा आपने? आप सलीम भाई एक बात बताओ, ये आपके भाई को तो बहुत ऑफर हुई, इन्हें इंडिया में काम भी किया, तो आपको नहीं बुलाते, आपसे क्या कारबाजी है? ऐसी बात नहीं है, इंडिया में एक्चुअली मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। क्या फ्रेंकली बताएगा, मीरा जैसे कपड़े नहीं पहन सकता तू, क्या फ्रेंकली? जावेद शेख साहब को भी एक रोल मिला इंडियन फिल्म में जो उन्होंने बहुत अच्छा निभाया और बड़ा, बहुत एक बारोप बाप का रोल उन्होंने किया, वो फिल्म रिलीज हो गई जी। क्या फीडबैक आया उस पाकिस्तानी लोगों का? जितने भी लोग मिले और जिसने फिल्म देखी, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने उनके काम की बहुत तारीफ की कि आपने जो रोल किया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कहोगे रोल कम है आपका? नहीं, कम था, वो एडिट हो गया, जो भी है, जितना भी था बहुत अच्छा था, और प्लस वो फिल्म नहीं हिट हुई। अच्छा, जिस फिल्म का नाम है शिखर जी, जी उसका स्क्रिप्ट जो था वो वीक था, अच्छी फिल्म तो नहीं थी। क्यों की उन्होंने? नहीं, देखिए डायरेक्टर बहुत बड़ा था, फिल्म बहुत बड़ी थी। अगर बड़े डायरेक्टर का, आप, हमें तो नहीं पता कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो हिट होगा या फ्लॉप होगा, अगर ऐसा पता चल जाए तो सारे हिट हो, फेल कोई भी ना हो। नहीं, स्क्रिप्ट की जहाँ कमजोरी, खैर खैर हाँ। लेकिन हमारे एक्टर्स के साथ होता है ऐसा, जैसे मोहम्मद अली मरहूम साहब जब गए थे तो उनका काम काफी था, लेकिन एडिटिंग में काट के उनको जो है वो एकदम स्क्वीज करके छोटा सा, लेकिन अगर आप फिल्म देखें तो उनका जो काम लोगों ने कटा हुआ देखा वो एक्चुअली कैमरा प्रिंट आता है पहले यहाँ पर, सिर्फ उसमें कटा हुआ होता है। अगर आप मास्टर प्रिंट देखें, मैंने सिनेमा पे फिल्म देखी है वो, अच्छा, उनका काम पूरा है जो होना चाहिए, एक बाप का जो रोल होना चाहिए वैसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में देखा तो उसमें सारा रोल कटा हुआ था, तो हमें ऐसे ही फील हुआ कि कोई तो काम ही नहीं है इनका, तो ऐसा इंप्रेशन गलत पड़ गया। लेकिन अभी तक जो एक ही इंप्रेशन डला हुआ है पाकिस्तानी एक्टर का फिल्म इंडस्ट्री पे, जो आज तक टैगा बैठा हुआ है, तरज हुसैन साहब, सौतन की बेटी में जो वकील का रोल करके आए हैं, उसके बाद से उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनको बुला के किसी एक्टर के उनके सामने काम करवाए। अल्लाह बख्शे तेरे दादा के साथ में, इसमें कोई शक नहीं है, तरज हुसैन इज अ ग्रेट एक्टर। अल्लाह बख्शे तेरे दादा के साथ लंदन में फिल्म देखी थी, ऐसे नारे लगते थे, बोले आए ये नर का बच्चा है, इसको काम मिल गया, वाह वाह। हमारा वो दादा था या प्रेम चोपड़ा था? ए, पापा, ये देखो, बेल बज गई, ये देखो दरवाजे में कोई आया, ये दादा, अभी तेरे दादा को इसने प्रेम चोपड़ा बोला। एक्सक्यूज मी, मेहमान बाहर वेट कर रही है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, प्लीज आप मत इशारे, प्लीज आप मत, पापा इनको जगह दीजिए। खवातीन और ज्यादा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मेहमान को लेके हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, कफाज अकदोरा जी में हमारे साथ होंगी सलीम जी और अगली मेहमान। बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है ने? अच्छा, तो मेरे पास बिठाओ ना, पापा उधर जाओ। एक्सक्यूज मी, मैंने बुलाया है, मेरे इनविटेशन पे आई है, प्लीज सलीम भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी आर्टिस्ट प्लीज। तो उसका सलीम नाम है, सेजादों जैसा मिजाज है ना, जिधर देखता है नारकली नजर आती होगी ना बेटा। नहीं, अभी नहीं देखना, अभी आप अभी चलो ठीक। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, जब मॉडलिंग करती है तो बहुत अच्छी लगती है, जब एक्टिंग करती है तो डोमिनेटिंग लगती है। बहुत सारी तालियों बुलवा रहा हूँ, नाहिद शब्बीर।
मेरे को काला रंग बहुत पसंद है, मैंने बोला था इनको काला ड्रेस पहन के। तो छोकरे को भी बोला था, छोकरी को भी बोला था? नहीं दादी, एक्चुअली आप लोग की उम्र होगी ना, आजकल की यंग जनरेशन ब्लैक बहुत पहनती है। जी फैशन बहुत है आजकल। अगर आपको जिंदगी में मौका मिले दूसरी जिंदगी का, आपको फिर से बचपन दोबारा दिया जाए, तो आप क्या बनना पसंद करेंगी? फिर भी मैं एक्ट्रेस बनना पसंद करूँगी। वजह? क्योंकि माशाल्लाह मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक था एक्टिंग करने का। अच्छा, और कब से? जब आप छोटे थे। अब मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं आप समझ नहीं रही है, मेरा दिमाग घुमा रहे है अभी, मैं इनके हाथ से मर जाऊंगा, बहुत से बहुत यही होएगा ना। देखिए तेज ना बोले, मेरा दिल बहुत कमजोर है। पहले बोलती ना आप मेरे को, मैं विस्पर में बोल देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे बोले सबको आवाज आए। ओके ओके, शब्बीर जान साहब। नाहिद शब्बीर, एक्सक्यूज मी। अरे भाई, एक सेकंड, मैं तारुफ करा दूं। मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है, ये दादी। जी दादी हूँ बेटा, ये अल्लाह ने दिया, हमारे को ढेर लगा दिया हमने। गफ्फार भाई, अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। शब्बीर जान है ना? जी नाहिद शब्बीर। नाहिद को देख के मेरे को लगता है जैसे मेरी जवानी दोबारा शुरू हो गई। प्लीज मम्मा, देखा जो मैं बोलूँ ये इसने मेरी नकल करनी है और मेरी जिंदगी अजाब करनी है। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना, ये घर में से भी बाहर, ने प्रोग्राम में से भी बाहर, तेरे को मैं धक्के दे के निकालूंगी और सास बनूंगी जो ड्रामे में आती है। अम्मा जब मैं धक्का दूंगी तो आप किधर जाओगी? देखो सही तो बोलती है, धक्का दे मैं तो मैं तो कहाँ जाऊंगी। मम्मा प्लीज। एक्सक्यूज मी नाहिद, एक बात करनी है। जी प्लीज। आप लाल रुमाल पे आई लव यू लिख सकती हैं? जी मुझे लिखना आता है। तो इंतजार किस बात का? मैं देता हूं ना आपको, लाल रुमाल दो। तुम्हारे चचा हैं, लिख के दे दो। ये मेरे फादर के बराबर है, ये इनको प्लीज समझाएं इनको कुछ। नहीं, अपने बेटे के लिए ही बोल रहे हैं। भाईजान क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या हुआ भाई? ये कौन है? पापा हैं। पापा हैं मेरे। एक सेकंड, उधर क्या हुआ भाई? मेरे साथ बिठा दिया आपने इधर। एक्सक्यूज मी प्लीज। वो यार समथिंग रॉन्ग, क्या मैं उससे पूछूं सही कि मैं किस तरह बैठा हूं? कि क्या मतलब है आपका? तो आप तो सीट पे बैठे ना। आपने दगाया क्या है? काफूर लगाते हैं ये। मम्मा क्या हो गया? काफूर? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई कलोन लगा ही लिया तो मोजों में भी लगा लेते। क्या लगाया तूने गप्पर? मैं बाम लगाया माँ, बाम। इसके कोट का कॉलर टूट गया था ना, डॉक्टर ने बोला बाम लगाया इसने। दादी प्लीज, आप लोग कैसे थे? ये सारी फैमिली मेरी, देखो ये मासूम लोग हैं, इनकी बात का क्या बुरा मानते हैं? सीधे सादे लोग हैं। सीधे सादे लोग हैं, कॉलर टूटने पे भी बाम लगाते हैं, हम लोग सीधे नहीं है, मासूम है। प्लीज नहीं, आप कौन से ब्यूटी पार्लर से तैयार होती है? जी मैं खुद तैयार होती हूँ। नहीं मैं तो वहीं से कराऊंगा, ब्यूटी पार्लर से। आप किधर से होती हैं? आप क्या करेंगे, क्या तैयार? अगर आप कभी बोलेंगे शूटिंग के लिए कि आपको तैयार होना है तो मैं आपको उधर भेज दूंगा, मेरी जानने वाली है। मैं बता दूंगी जो मैं फिर जहाँ बता देना, फोन नंबर देना ना मेरे से। पैसे भी लेते हैं जी? आप पैसे दूंगा ना मैं? तो मेरा नाम देगा ना पैसा, तो मेरा खर्च करवाएगा मनु। आप उन्हें पेमेंट करेंगे? आप क्या बोलती हो पेमेंट? मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड है, सब आपके, ने गाड़ी, ने बंगला, स्टूडियो, सब आपके नाम कर दूंगा। बोलो शादी करती हूँ। बंगला है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ मेरा है बेटा, इसके चक्कर में नहीं आना। इतनी अच्छी बच्ची है, उस बच्ची के साथ ऐसी बातें करता है। दादी देखिए, आप समझाइए, गलत बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, अपना घर बसाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? ऐसा चमाट खींच के तेरी माँ के मुँह पे मारो? तरबियत है तूने, ये तरबियत दे शरीफ बच्ची के? अगर रिश्ता भेजना है तो इज्जत से उसके घर जाओ, उसके बाप से। ऐसा ये मीडिया पे बैठ के कोई रिश्ता मांगता? अगर तेको अच्छी लगती है हमारे को बता। ये सारा पैसा और प्रॉपर्टी अम्मा के नाम है ना, इसीलिए हम अम्मा के गुलाम है। मेरे को तो ये आता है मैं कब मरूंगी मेरे पैसे के पीछे। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, मैं तो सुबह बांट दूंगी सब कुछ। अल्लाह आपको जिंदगी दे दादी, इनके माँ बाप। अरे भाई इसको मेरे पास से हटा भाई। क्या हो गया? ये कान में मेरे कुछ बोलता है यार। क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। अभी तूने बोला नहीं क्या? क्या अभी तूने मेरे को नहीं बोला? क्या बोला? केशवर राय को मेम नहीं आती है हमेशा पाकिस्तानी एक्टर को लेते हैं। अच्छा नाहिद कितना अच्छा हो गया काम करते हुए? मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए।
अच्छा, लेकिन बेटा आपने 5 साल में तो 50 साल का काम कर लिए। काम करती है आप, बस मतलब आप अमीर बनती हैं, गरीब बनती हैं, भिकारन बनती हैं, कोई ऐसा रोल है कि जो आपके ख्वाहिश हो कि मैं अब ये कैरेक्टर करना चाहती हूँ? नहीं, वैसे अब तक काम किया बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ डिफरेंट काम करना चाहती हूँ। क्या डिफरेंट? मेडिकल स्टोर खोलेंगे? क्या मेरा बच्चा ना बहुत अच्छा कभी-कभी बहुत अच्छा मजाक कर जाता है, गलती अपनी माँ का नंबर दे रहा मैं दादी को। अच्छा, एक सवाल मेरे को पूछना है सलीम से। सलीम, ये बता, तेरे को कौन सी ड्रामे की हीरोइन अच्छी लगती है? फिल्म की हीरोइन अच्छी लगती है या वो जो गली में लोग सूटे लगाते हैं ये हीरोइन अच्छी लगती है? नहीं, मैंने फिल्म की हीरोइन के साथ भी काम किया है, ड्रामे की हीरोइन के साथ भी काम किया। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरे को पता है तूने तो पागलों के साथ भी काम किया है। वो कौन? वो थे ना फिल्म की हीरोइन। आपके साथ किए? नहीं, ये बेटा कैसी जहीर। मम्मा मम्मा मम्मा, दादी की पप्पी भी चमाट से कम नहीं होती है। मेरे को खुदा के लिए रहम करो, खुदा के लिए। मेरे दांत जरा में बच गई तो अभी मैं इसका ऊपर से गोश्त निकालती। मेरी माँ है। खाना कौन पकाता? दिमाग ही नहीं रहता मेरा। दिमाग से पकाते? नहीं, सबीर से बात करने दे मेरे को। हाँ नाहिद, ये बताना, तुम तो ऐसे घर की बच्ची हो जिधर तो बोलते हैं ड्रामे में काम नहीं कर सकती, खबरदार तेरी टांगे तोड़ देंगे। तो तेरे भाई अपने कुत्ते को ले लेके जाते हैं, तेरी इतनी सपोर्ट करते हैं, तू बहुत लाडली। जी मैं बहुत लाडली। आपके भाई के पास कुत्ता भी है? जी मेरे भाई के पास कुत्ता भी है, बहुत खतरनाक, और वो जो मुझे कोई मुझसे कोई बदतमीजी कर ले तो वो छोड़ देते हैं उस पर। नाहिद क्या छोड़ते हैं? कुत्ता। अच्छा नाहिद जी, नहीं मैं 2 दिन के लिए, मेरे को देना वो कुत्ता जरा। आपको क्यों चाहिए वो? मैं बताऊंगी बाद में आपको। अच्छा ठीक है। हाँ, इसको तो आदत है ना कुत्ते छोड़ने की। अच्छा, अब मैं बताएगी बाद में। मैं तो इंटरव्यू कर रहा हूँ ना आपका, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। जी जी, एक्सक्यूज मी शमी महाराज साहब। पापा, आप फीमेल से जब भी बात करते हो आपकी आंखें लाल काय को हो जाती है। अरे कैसा ये अपोजिशन लीडर जैसा जैसा टूट पड़ा हुआ है, वो आंखें खोल के बात कर। तू क्या असेंबली में बैठा हुआ है? एक्सक्यूज मी, एक सवाल है। आप ये जो वर्ल्ड कप का फुटबॉल का मैच है आप देखते हैं? थोड़ा सा दूर है। दूर क्या मतलब, एक्सपोशन कर रहा हूँ मैं। आप बोलिए ना, थोड़ा पीछे। वर्ल्ड कप का ये जो फुटबॉल का मैच हो रहा है आप देखते हैं? जी देखता हूँ। मैं तो 10 मिनट या 5 मिनट देखता हूँ। क्यों? भाई मैच तो केसी वाले और वापडा वाले देखते हैं, हम तो खाली लोड सेटिंग देते हैं, रात को मच्छर मार रहे होते हैं। सही। तुम भी देखती हो, तुम किसको सपोर्ट करती हो? मैं तो इंग्लैंड को कर रही हूँ सपोर्ट। मैं पुर्तगाल को, मैं अर्जेंटाइन और जर्मनी को, दोनों मेरी टीम है। जर्मनी वालों को जर्मनी बहुत पसंद है और अर्जेंटाइन भी। मैं तो इंग्लैंड की तरफ। अब मुझे पसंद नहीं। मुझे तो ब्राजील बहुत अच्छा, उसमें जो इंजमामुल हक गोल बना रहा है बहुत अच्छा गोल बना रहा है। इंजमामुल हक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है। फुटबॉल तो अच्छी खेलता है ना भाई जी? वो अच्छी नॉलेज है आपकी, किताबें बहुत पढ़ते हैं। अच्छा नाहिद, आपसे मैंने पूछा था कि कौन सा ऐसा रोल है जो आप करना चाहती हैं, कोई ऐसा रोल कुछ जहन में आपके प्लान कुछ ऐसा? माशाल्लाह हमारे यहाँ बड़े अच्छे स्क्रिप्ट होते हैं, उसमें अब तक जो काम किया है मैंने बड़े अच्छे काम हुए हैं, माशाल्लाह कामयाब भी रहे। कुछ कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जैसे कोई पागल लड़की, नफ्सियाती और अजीब सी, जैसे नहीं मैं पूछ रहा हूँ कौन सा किरदार करना चाहती हैं आप, तो अपनी नेचर बता रही हैं। एक्सक्यूज मी, नहीं मैं मतलब ये आपका मतलब क्या है? आपको मतलब ये कि एक बाजू का दादी, मैं कैरेक्टर बता रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। करना चाहती है? तुमने तो गटर के ढकने भी खुलवा लिए, सफाइयां भी करवा ली, सब किया, अभी ये जो खड्डे खोद रहे इस पे कोई ड्रामा बना? नहीं दादी, उसमें मैंने छुट्टी की है। शुक्र है हमने छुट्टी तो ली है। शुक्र है बेटा, तू कभी छुट्टी कब लेती है? गर्मी बहुत थी ना इसलिए। अच्छा, वरना इधर भी चली जाती बहुत है। ये देखिए ये खड्डा है, ये माइक है, ये छोटी भी इधर देखो। अच्छा माशाल्लाह आप बहुत काम करती हैं हर जगह पे, अगर कोई जगह साफ करने वाले केमिकल का भी इश्तिहार हो तो आप दिखा देती हैं, उसमें भी आ जाती हैं, ड्रामे में भी आ जाती हैं आप, मॉडलिंग भी कर लेती हैं आप कॉम्पेयरिंग भी कर लेती हैं आप, सब कर लेती हैं आप, तो आप करती क्या है? क्या मतलब करती क्या है? क्या मतलब? सारी लड़कियों की छुट्टी कर देती है। और इसमें मीरा की नकल उतारी थी मैंने, इसको देखो तो एक दफा करके दिखाया ना मेरे प्रोग्राम में, थोड़ा अच्छी देखे मजा आएगा ना। मीरा जी से कोई बात नहीं, तालियां बजेगी तो इसकी हीरोइन आई थी फिल्म में इसके साथ, मेरे सामने मीरा की नकल। अरे तो आपकी हीरोइन थी ना, चलो चलो सुनो सुनो। नहीं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे सामने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े मजा आएगी तो सुना। बड़े आर्टिस्टों की नकल होती है, कोई बात नहीं, ऐसी दिल पे लेने वाली बात नहीं है। मीरा जी आप, आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर?
Give me Panadol, please. No, actually, I am suffering from Karachi to Lahore. आपको खाने में क्या पसंद है? I love MC Donald's. Oh my God. अच्छा आपने वो उधर शोग्रान में कौन सी फिश खाई थी? वो I remember Toronto fish. Excuse me. ये आप मीरा की नकल कर रही हैं या वाकई जवाब दे रही हैं? नहीं नहीं अच्छा, आपका मतलब क्या है? इसके ड्रेस का पूछ। आप लोगों ने कहा मैंने नकल कर दी? ओके ओके ओके। सलीम शेख इसने क्या बोला क्या? तेरे में और इसमें 19-20 का फर्क है। मीरा में और इसमें, मीरा में और तेरे ये खालू में। खालू ये मामू है। मामू तो सलीम का तो खालू हुआ ना। खालू मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, आपने तो बहुत सारे इंडियन सीरियल्स में काम किया, इंडियन आर्टिस्टों के साथ भी काम किया। जी मैंने अभी तक एक ड्रामा सीरियल किया है। फैसल बुखारी का था शायद? जी नहीं, फिर वो अभी आजकल ऑन एयर है किसी चैनल से, और अहमद कामरान और हसन जिया उसके प्रोड्यूसर हैं। हसन जिया प्रोड्यूसर। अच्छा, तो इंडियंस के साथ काम करके आपको कैसा क्या तजुर्बा रहा? इतना मज़ा तो नहीं आया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बिकॉज हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, अकेडमीज नहीं है, स्कूल्स नहीं हैं, और उन लोगों के पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं जो भी है, जो हम देखते हैं उनके चैनल जी। लेकिन हमें कंपैरेटिवली अगर हमें देखा जाए तो हम उनसे ज़्यादा अच्छे, क्योंकि हम लोग बहुत माशाल्लाह ठीक ठाक काम करते हैं। हमारे बच्चे से लेके हमारे जूनियर सीनियर्स जितने भी हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा। नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे। मैंने एक रिसाले में पढ़ा था, ये जब हमारी जो आने वाली लॉट है, जो अभी आ रही है, जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। दादी ये देखिए, ये पागल हो गया है, कोई नहीं है इसके। हमारी अच्छी लॉट आ रही है ना, नए न्यू जूनियर जो आ रहे हैं। हम लोग भी जूनियर्स की बात, बच्चों की बात करें, जूनियर्स की बात, जूनियर्स की बात करें ना। मैं भी नहीं, मैं किधर भी नहीं ले जा रहा हूँ आपको। अच्छा चलो चलो, मैं साफ साफ बात करता हूँ। कुत्ते भूल गया। दादी को पता है अच्छी तरह मेरे घर का। कुछ क्या घर में बेरी होगा, उस पे पत्थर नहीं आएगा दादी? हाँ बेटा, पत्थर आएंगे ना, तू तो सड़क का पत्थर है, क्यों आ रहा है उसके? उसको पहले पूछ, उसको शादी करनी करनी है। देखिए मैं अब क्या बोलूं, मैं एंगेज्ड हूं। ओ, मैं, देखो मेरी शादी होने वाली है। आप कैसी बात कर रहे हैं आप? और एक नहीं 16 ड्रामों में इसकी शादी होने वाली है। नहीं आप गाना गा सकती? अच्छा ड्रामे की बात। सलीम, आप नाहिद के साथ आपने काम किया काफी, आपको क्या लगता है कि नाहिद शब्बीर में इस वक्त एक मुस्तनद एक्ट्रेस है, या आगे चल के इससे भी ज़्यादा एक मुस्तनद एक्ट्रेस होगी? जैसे हमारे पास खालदा रियासत और रुबीना अशरफ, ये बड़े बड़े नाम, सलवा परवेज़, ये बड़े बड़े नाम जो एक्ट्रेसेस जो कि लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे मुल्क की। जी नहीं, नाहिद देखें, उसने कहा कि 4-5 साल हुए, और मैंने जब काम किया तो मुझे नहीं लगा कि एक नई लड़की के साथ, क्योंकि पहला सीरियल ही इसका मेरे साथ था, सलीम के साथ ही मेरा सीरियल था, शिराज़ा था। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मेरे सामने तो ये था कि ये एक नई लड़की, आपने इजी ले लिया होगा कि नई लड़की है तो खैर मैं इतना इजी नहीं लेता। अच्छा, कि इतने कम अरसे में इतना अच्छा काम करना कम लोगों में होता है, ये टैलेंट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा नाहिद, ये बताओ कि आपने हमारी बहू देखी, हमने कितनी सजाई है, देख कितना पैसा मैंने इस पे लगाया हुआ है, कैसी लगी तेरे को? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। देखा अम्मा कितनी मेरी तारीफ करे लिए, मैं खूबसूरत हूँ। मेरा ये कान बंद है। विजय जी खुदा सुना, आपने मेरे को खूबसूरत बोल रहे लिए? मेरा ये कान बंद है। मेरा ख्याल है सुबह मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूँगी। एक्सक्यूज मी, नाहिद शब्बीर, इधर जो भी बातें हैं ऐसी मजाक में, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, आपने बुरा नहीं माना। मैं बहुत बुरा मानेंगी, दो रोटी ज्यादा खा ले। दादी जान, मैं आपका जो फैमिली का प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है, मुझे मैं बहुत शौक से देखती हूं। मेरे टाइम कहां होता है, झूठ क्यों बोलती है? नहीं, मैं कभी जब रात में रिपीट होता है तो मैं जरूर देखती हूं। तो मेरे को देखती हैं आप? मेरे को देखती हैं? आपको भी देखती हूं। मैं कैसा लगता हूं? आप बहुत अच्छे लगते हैं जी। मेरे को आप ऐसे सग नजरों से काय को देखते हैं? नहीं, सारे मेरे को आप प्यार से काय को देखती? अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। ड्रामे में जैसा प्रोग्राम चलता है तो ये चैनल बदल लेती है, वक्फा समझती है। बस थोड़ा कमजोर है, बस सूप वूप पिलाएंगे ठीक हो जाएगा। तो तेरी कमजोरी है ना, औलाद में आई है, उसकी तरबियत क्या की है, जो छोकरी आए उसको रिश्ता दे देता है। ये अम्मा अपने छोकरे को तो गौर से देख तू। मैं तो देखा, एक मेरा साकार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। क्या दादी क्या बोला आपने? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट।
जैसे पीछे गाड़ी बनी है इसमें तेरे बाप का मुंह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में याद किया है। मेरे को भी सिखाना रीमा ने कैसी अंग्रेजी सीखी है इसे जमा जमा के बोलती है तू भी बोल सकता है। हाँ मैं बोलूंगा इंशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज किसे? नहीं पब्लिक को कोई पैगाम, कोई अच्छी बात करें, कोई ऐसी बात की जो याद रहे। इतनी अच्छी स्माइल है आपकी, इतना अच्छा फेस है, ऐसा गड़ा पड़ता है ईमान से, क्या प्यारी लगती है। मुझे तो आपका फिल्म याद आ जाती है, पुरानी शमी मारा। कभी नई बात ना करो, बहुत अच्छी थी। कभी नई बात ना करो। मेरा भी ऐसा मोहब्बत का गड़ा पड़ता था, जब से तेरी माँ को लाई मेरा गड़ा ही बंद हो गया। मैंने मुक्का मारा था ना माँ। तू मुक्का मारे तो मैं तेरे को चमट मार के फेंक दूँ। सामिया ने बोला आप लड़े नहीं, प्लीज हमारे बेटे के लड़ थोड़ी रहे, प्लीज लाइफ एंजॉय। नहीं प्लीज बकू बात कर, मैं हंस जाती हूँ, मैं बोलती छोड़ो, मेरा दिमाग खराब करेगी कसम से। अच्छी सी बात करने, क्या अच्छी सी बात करेगी ये? देखो मेरा दिमाग इसने खराब कर दिया। मम्मा का दिमाग बचपन से खराब। हाँ तेरे को देखते ही बचपन में खराब हो गया था, तू तो मेरे से 20 साल बड़ी है। हाँ, नजर आ रहा है ना। माशाल्लाह मेरी बीवी बहुत हसीन है, आप उसको 14 अगस्त को देखें जब ये बल्ब लगाती है छत पे। मैं इनकी तरफ से माफी चाहता हूँ, आपको प्यारी सी बात करें। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत कम है और मोहब्बतें और खुशियां एक दूसरे से बांटें, और जैसा हो जितना भी हो सके सबको खुश रखने की कोशिश करें, जिस तरह आप लोग हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। सलीम, डायरेक्शन के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, जो आपका कैरियर है उसके हवाले से, जिस तरह आप आए उसके हवाले से कोई बात कीजिए। मैं अपने ही फील्ड के हवाले से एक मैसेज दूंगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, जो एक्टर बनना चाह रहे हैं, डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, मैंने ये फील किया है वो आजकल जो जो उसके सीनियर है ना वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो काम को सीरियस नहीं ले रहे। मैंने ये फील किया है कि जितने भी लोग हैं इनको क्योंकि पकी पकाई मिल गई है, इन्होंने स्ट्रगल नहीं की, रातों रात एक्टर बन गए, एक कॉल आई रातों रात स्टार बन गए, तो उनको फीलिंग नहीं है। आपके भी घर में डायरेक्टर है जी, लेकिन ये फीलिंग नहीं है उनकी के क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपको काम नहीं मिलता, स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्ट्रगल किस तरह करना पड़ता है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर सामने सीनियर बैठा हुआ है तो उसकी उसी तरह हंसी मजाक चल रहा है, ना कभी सलाम किया ना कुछ। तो ऐसे लोगों से मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि कम अज़ कम अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दे ही दी है तो उसको संभालना सीख, हजम करें उसको इज्जत को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तू भी इससे सबक सीख बेटा, अपना कोई बड़ा हो ना इसको सलाम करना, इज्जत करना, ये बिल्कुल सही पैगाम है। आप नवे हो ना, आप इस बात से सीखो। नए नहीं है ये, असल में पुराने चावल है। नहीं बेटा, ये हमने पैसा लगाया तो काम मिला नहीं तो बच्चा हमारा जाके गेटों पे खड़ा होता था। कोई पैसा लगाया, आपने मेरे को चावल बोला, पुराने जो सही गलते हैं ये। तो ये पुराना है तो हम कहाँ हैं? हम लोग दो इंदिरा गांधी के जमाने में नारे लगाते थे क्या? सलीम साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, और बेशक हमेशा सीनियर की ही नहीं बल्कि हर उस इंसान की इज्जत करनी चाहिए जिसको अल्लाह इज्जत दे। बस क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, उसका मफहूम ये है कि अगर तुमने उसकी इज्जत ना की जिसको मैंने इज्जत दी, तो मेरी तरफ से ऐलान जंग सुन लो, तौबा अस्तगफुरुल्लाह। हम अल्लाह ताला से सोच भी नहीं सकते कि ऐलान जंग, अल्लाह ना करे, अल्लाह अपने गज़ब से महफूज रखे, क्योंकि जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। और आपको इज्जत दी है, आपको इज्जत दी है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आपको इज्जत इसीलिए मिली है क्योंकि आपने हमेशा अपने बड़ों की इज्जत की है, और आपने अपने बड़े भाई की इज्जत की है हमेशा, और अपने बड़ों की इज्जत की है, उन लोगों की इज्जत की जिन्होंने आपको काम सिखाया या आपको डायरेक्ट किया या आपको डायरेक्शन दी। डायरेक्शन सिर्फ डायलॉग बोलने का नाम, बुलवाने का नाम नहीं है, डायरेक्शन जो है वो हर चीज़ का नाम है। सेट पे डायरेक्टर जो है वो एक बाप की हैसियत रखता है, वो डायरेक्शन देता है। प्रोग्राम एक जिंदगी की तरह है बेटा, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अपने घर से तरबियत अच्छी लेके आएगा ना, तो वो अपनी इज्जत करवाएगा भी और इज्जत करेगा भी। इसलिए आपको बोलते हैं कि आप सबकी इज्जत किया करो। जो घर की तरबियत अच्छी नहीं होगी वो ऐसी मस्करियां करेंगे, किसी की इज्जत नहीं करेंगे। ये बच्चे अच्छे घर के बच्चे हैं ना, देखो इनको इज्जत करनी भी आती है और इज्जत देनी भी आती है। ऐसे मस्करी करते हैं कोई तो मजाक, मेरे बुरा नहीं, मजाक बुरा नहीं, मैंने बुरा थोड़ी माना, बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। आप लोगों की तशरीफ आज़मी का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़वातीन आज़ाद आपका भी और आप लोगों
भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। गफ्फार ज़रदोज़ी जी मैं इस हफ्ते भी अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहेगा, नए मेहमानों के साथ मुलाकात करेंगे। गफ्फार ज़रदोज़ी जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।